प्रधानमंत्री जी इतना प्रयास करते हैं, बेचारे 18-18 घंटे काम करके उन्होंने आधा देश बेच दिया। अगर 24 घंटे काम करता है प्रधानमंत्री जी तो पूरा देश ही बेच देता है। वो आपने जो 20,000 करोड़ का चूरन दिया था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, और आपने बताया भी नहीं मन की बात में आकर कि ये चूरन गर्म पानी से लूं या ठंडे पानी से, और आपने फिर दोबारा 2,000 का चूरन दे दिया। इतने चूरन मत दीजिए प्रधानमंत्री जी, जो हमें हजम ही ना हो पाए। और देश में सब कुछ बिक गया, अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और वो भी जल्दी बिकेगी इस देश के अंदर। कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है, मुझे माँ गोदावरी बुला रही है, आपको कोई सी माँ नहीं बुला रही, आपको बुला रही है तो बहन जसोदा गुजरात के अंदर। आप वहाँ पहुँचिए और देश के किसान को माफ करिए। कहता है देश का प्रधानमंत्री, मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ, ये मैं नहीं कहता, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री जी गधे से प्रेरणा ले रहा है वो आपको और हमें क्या देगा? हमारे पेट के अंदर देश के किसान की रोटी भरी हुई है, इसलिए हमें किसान की मन की बात सुनाई देती है, प्रधानमंत्री जी की बात सुनाई नहीं देती। मोदी ने बोला है कि पूरे हिंदुस्तान के किसान को बराबर का दर्जा मिले, इसीलिए इस कानून को लाया गया है। कि जिस तरह पंजाब के अंदर समृद्ध किसान है, उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लोग समृद्ध बनेंगे। आप प्रधानमंत्री जी की बात पे बहुत यकीन करते हैं और प्रधानमंत्री जी की बात भी बहुत सुनते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी की कौन सी बात पे आप यकीन करते हैं? चलिए आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इतने सारे भाषण दिए थे, इतने सारे जुमले छोड़े थे, उनमें से आप मुझे 5 काम बता दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने करे हों। थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए। हटाने के लिए हटा दिया। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट और बताइए, एक ही बता पाएंगे क्या 5 में से? बताइए, एक बात मुझे बताइए, आप इस देश में रहते हैं या देश में बाहर से आए हुए हैं कहीं? मैं तो फिलहाल यही रहता हूं। नहीं, मुझे लग रहा है कहीं आपको भी कहीं मोदी सरकार की तरफ से कोई सरकारी मदद आ रही है। 2 लाख रुपए महीना। एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर राम मंदिर को बनाने वाला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, वरना आप एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से इस देश के अंदर 3 तलाक का मुद्दा संसद से पारित हो सकता है तो भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े? मोदी जी ने बनवाया है। अरे मोदी जी की औकात नहीं है राम मंदिर बनाने की, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और आपको बता देता हूँ मोदी जी की एक छोटी सी पॉलिसी, ये वोट मांगते हैं सीता के पति के नाम पर और काम करते हैं नीता के पति के नाम पर, और नीता के पति समझ गए आप कौन, अंबानी और अडानी, ये उनके नाम पर काम करते हैं। आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, आप बन गए आत्मनिर्भर तो आप भी अपनी पापा जी से कहिए कि अपनी मम्मी को छोड़ दें, बनाइए होते हैं आत्मनिर्भर, क्यों नहीं बनाते उन्हें आत्मनिर्भर? गली बजा दो यार, बताइए ना क्यों नहीं बना रहे आत्मनिर्भर? आप तो बन गए आत्मनिर्भर। आप एक बात मुझे बताइए, एक आम आदमी के घर में इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, आप जैसे पत्रकार जो हराम की दलाली खाते हैं उन्हों के घर पे कभी इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, देश की सरकार कभी नहीं पूछती, इनकम टैक्स वाले कभी नहीं पूछते कि एक पत्रकार जो 50,000 से 60,000 रुपए महीना कमाता है वो कैसे ऑडी मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा वहाँ से आता है जब वो सरकार की दलाली करते हैं, अंबानी और अडानी की दलाली करते हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव की दलाली करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की दलाली करते हैं। तो पैसा आप लोगों की जेब में ही आएगा, हमारी में नहीं आएगा। मनोज तिवारी जी का क्या है? मनोज तिवारी जी तो नाचने गाने वाले हैं। मनोज तिवारी जी जो एक अंडे के पीछे बिग बॉस के अंदर छीछा लदर करते हैं, आपने देखा ना, ब्राह्मण होकर एक अंडे के पीछे आदमी लड़ रहा है, और वो गाने कैसे कैसे, एक सांसद को ऐसे गाने बनाना शोभा देता है? वो कहते हैं बेबी दारू पी के नाचे लू, अरे बताओ बेबी दारू पी के नाच रही है। ऐसे ऐसे गाने अगर देश के सांसद गाएंगे तो एक बात मुझे बताइए, किसानों का भला करेंगे या दारू वालों का भला करेंगे? ये बताइए, तिवारी बिहार के चेहरा है, आप कहीं ना कहीं लोग उन्हें आइडियल मानते हैं। अगर बिहार के वो चेहरा है तो बिहार में मुख्यमंत्री के लिए क्यों खड़े नहीं होते, ये बताइए ना। दिल्ली में आप आए कभी? दिल्ली में जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था तो मनोज तिवारी जी के साथ कैसे धक्का मुक्की हुई थी, बताइए आप मुझे। मनोज तिवारी जी से कोई कह दे, अभी हमारे क्षेत्र में जब दिल्ली दंगे हुए थे उस टाइम पे मनोज तिवारी जी आए तो कुछ क्षेत्र की महिलाएं बात कर रही थी, वो देख रिंकिया के पापा आ गए, वो देख रिंकिया के पापा आ गए। तो ये देश के सांसदों की छवि बनी हुई है। पौने 2 आंख वाला वो कहता है मैं बाबा हूँ, भाई तू कहाँ से बाबा है ये बता मुझे? अगर तू बाबा है तो मुझे एक बात बता, जो इतने सारे संत महात्मा बैठे हुए वो क्या है? तूने उठक बैठक लगा के पूरा देश तूने लूट लिया। वो पतंजलि का तू चूरन बांट रहा था, कहाँ गया वो चूरन जो तूने कोरोना की दवाई बनाई थी? वो कोरोना की दवाई कहाँ गई आखिर?
और वो कोरोना की दवाई तू अपने वो भारतीय जनता पार्टी के हराम खाऊ प्रवक्ता जो ओएमजीसी में पैसा खाता है संबित पात्रा उसे क्यों नहीं चटाता जाकर। संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, आप राजनीति नहीं करते हैं आपके तो। खैर आप लोग राजनीति कहाँ से करेंगे, आप तो दलाली करते हैं, आप तो अंबानी और अडानी की करते हैं दलाली, आप राजनीति कहाँ से करते हैं। एक बात मुझे बताइए, अंबानी और अडानी जब खिलौना बनाने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए, जब वो राफेल की बात करते हैं राफेल का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता है आपने देखा। आप एक बात मुझे बताइए, अंबानी और अडानी के हाथ में पूरे देश की सत्ता सौंप कर आप देश को क्यों गुलाम बनाना चाह रहे हैं। एक श्रवण कुमार था जिसने अपने एक कंधे पे माँ को और दूसरे कंधे पे पिताजी को बिठाकर पूरे देश की यात्रा कराई। ये कलयुग का श्रवण, ये कलयुग का झूठेश्वर कुमार है जिसने एक कंधे पर अंबानी को और दूसरे कंधे पे अडानी को बिठाकर पूरे देश से माल लूटकर उनके झोले में भरे जा रहा है। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको किसी ने फोन करके कह दिया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ किसान परेशान हैं और आप तो मुख्यमंत्री जी हैं, इतनी सर्दी हो रही है आप किसानों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है। उन्होंने तुरंत कर दिया, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कहा कि ठंड लग रही है ना किसानों को, सर्दी में परेशान है तो दिसंबर का नाम बदल के जून कर दो, उन्होंने कर दिया। उनका तो बस नहीं चला, उनका बस नहीं चला, अगर उनके पास सेंटा क्लॉज का फोन आ जाता तो वो कहते थे तेरा नाम आज से सेंटा क्लॉज नहीं संत कैलाश रख दिया तेरा नाम, उनका ये काम है। आप एक बात बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री जो सिर्फ नाम बदलने पे विश्वास रखते हैं काम करने पे विश्वास नहीं रखते। आज आप एक बात मुझे बताइए, ये कृषि का मुद्दा है या नहीं है, ठीक है, आप कृषि के मुद्दे पर किसानों की मीटिंग के अंदर अपने पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उसको बिठा देते हैं। भाई रेल मंत्री, आप एक बात मुझे बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर कहाँ से फ्यूल भरा जाता है? नहीं, ये तो बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे तो मुझे आप बताइए, नहीं बता पाएंगे ना। तो एक बात मुझे बताइए, वो रेल मंत्री क्या जाने कि कृषि के बारे में कृषि क्या होती है। और अगर आपको खेती में इतना फायदा नजर आ रहा है तो आपके जो इतने नाचने गाने वाले प्रवक्ता हैं, ये इतने नाचने गाने वाले सांसद हैं, इनसे खेती करवाइए ना। अगर एक साल में आपके सांसद करोड़पति हो गए तो देश के किसान के लिए भी इस बिल को लागू कर दीजिएगा। लेकिन आपने कहा तो अमित शाह का बैकग्राउंड खेती का है, वो किसान है, तो उनकी बात भी आप नहीं समझ पा रहे हो। तो अमित शाह भी तो किसान है, आपके घर में आके फसल काट के जाते हैं क्या वो? आपके घर में गेहूं बो रखा है उन्होंने, ये बताइए मुझे, मैंने तो नहीं देखा आज तक उन्हें कभी। एक बात बताइए, अगर अमित शाह जी खेती करते हैं तो देश का किसान भी तो खेती कर रहा है। चलिए मुझे एक देश के एक किसान का नाम बता दीजिए जिसका बेटा आज बीसीसीआई में सचिव बना हो लेकिन अमित शाह जी का बेटा बन जाता है। अमित शाह जी का बेटा जानता क्या है क्रिकेट के बारे में, ये तो बताइए मुझे आप, जो बीसीसीआई में सचिव बन जाता है। चलिए आप मुझे बताइए, स्मृति ईरानी के बच्चे को कभी आपने बजरंग दल में जाते हुए देखा है? हीरोइन नहीं यार। भाजपा के किसी नेता को आपने कभी उनके बच्चों को आरएसएस में जाते हुए देखा है? देश की गरीब जनता के बच्चे आरएसएस और बजरंग दल में मरने के लिए भेज देते हैं और अपने नेताओं को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। सरकार तो मना कर रही है ना, साफ मना कर दिया, हम नहीं लेंगे बिल वापस। वे तो दल्ले हैं, वो क्यों नहीं लेंगे, कर देंगे, लेकिन क्यों नहीं लेंगे, हम बिल वापस नहीं लेंगे। प्रयास तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कक्ष में जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं और उनके नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल किसान समझ नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी इतना प्रयास करते हैं बेचारे, 18-18 घंटे काम करके उन्होंने आधा देश बेच दिया। अगर 24 घंटे काम करता है प्रधानमंत्री जी तो पूरा देश ही बेच देता है। और जो आप और हम आज पहन के खड़े हुए ना कपड़े, ये भी बेच देता। जो आदमी कहता है देश का प्रधानमंत्री मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ, ये मैं नहीं कहता, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री जी गधे से प्रेरणा ले रहा है वो आपको और हमें क्या देगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। खैर अगर आपको दलाली मिलती है तो आप नहीं सोच सकते क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री ने 2,000 रुपए किसानों को दिए तो अच्छा, 2,000 में राजा हो जाएंगे। आप इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी इतना एहसान मत करिए कृपया करके, मैं दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, इतना एहसान मत कीजिए। वो आपने जो 20,000 करोड़ का चूरन दिया था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ और आपने बताया भी नहीं मन की बात में आकर कि ये चूरन गर्म पानी से लूं या ठंडे पानी से, और आपने फिर दोबारा 2,000 का चूरन दे दिया। इतने चूरन मत दीजिए प्रधानमंत्री जी, जो हमें हजम ही ना हो पाए, कहीं हमें दस्ती लग जाए, तो इतने चूरन मत दीजिए देश की जनता को। मन की बात के उनसे संतुष्ट हुए, मन की बात सुने, संतुष्ट हुए उससे? आप एक बात बताइए, आप किसान के मन की बात तो सुनते नहीं, आपके मन के अंदर तो दलाली का पैसा भरा हुआ है इसलिए आपको प्रधानमंत्री जी की मन की बात ही सुनाई देती है। हमारे
हमारे पेट के अंदर देश के किसान की रोटी भरी हुई है, इसलिए हमें किसान की मन की बात सुनाई देती है, प्रधानमंत्री जी की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना और शेख सिल्ली की बात सुनना दोनों बराबर ही है, समझ रहे हैं? आपकी आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं 2022 तक, आपकी आय दुगनी हो जाएगी। यार प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चल रहा, नहीं अगर देश का किसान कहे कि खेत में बारिश नहीं हो रही तो वो भी शेख सिल्ली वाली बात कह दे कि मेरे पास इतना लंबा बांस है कि खेत ऊपर करूंगा आसमान में तो बारिश हो जाएगी, हाँ, और गृह मंत्री कहेगा तू रखता कहाँ है उस बांस को, तो कहेगा मैं तेरी घोर में ही रखता हूँ, वही वाला हिसाब है यहाँ देश के अंदर। देखिए देश के किसान की पूर्ण रूप से मंशा है इस बार 26 जनवरी के दौरान राजपथ पे ट्रैक्टर दौड़ाने की, अगर उसकी ये मंशा आप, मैं आपको बताता हूँ, देखिए देश के किसान से आपको माफी मांग लेनी चाहिए और तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए, ये अपने देश का किसान है। जब आप वहाँ बिरयानी खाकर ना जाने क्या क्या सौदे करी आते हैं, वहाँ जाके झूला झूल के क्या क्या सौदे करी आते हैं, तो आपको देश के किसान के आगे झुकने में क्या दिक्कत आ रही है? सर वो ये कह रहे हैं कि ये बिल सारा किसानों के हित में है इसीलिए हम झुक नहीं रहे। एक बात मुझे बताइए, अगर किसानों के हित में है पूरा का पूरा बिल तो संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हुए, ये बताइए ना। और ये बात आप अमेरिका और यूरोप के देश से पूछिए, 70 साल हो गए वहाँ पर इस प्रणाली को लागू करे हुए और देश के किसान की हालत बस से बदतर होती जा रही है, तो देश में क्यों लागू कर रहे हैं इसमें? जी आप एडवोकेट पढ़ाई कर रहे हैं वकालत की, आप पढ़े लिखे युवा हैं और देश का 94,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा इस आंदोलन की बात फिर जाएगी? डेली का 94,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, किसान धरने में बैठे हुए। एक बात मुझे बताइए, आपने ये तो कह दिया कि मैं पढ़े लिखा हूँ, आप अनपढ़ हैं क्या? आप अनपढ़ ही लगते हैं मुझे, आप मुंह से गूंगे, जबान के गूंगे और आंख से अंधे हैं। आप लोग एक बात बताइए, 6 महीने भारत देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, 6 महीने आपने एक बार प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करा कि जिस कोरोना की आप बात करते हैं वो कोरोना है कहाँ, जरा ये दिखाइए। आज देश से कोरोना खत्म हो गया जो आपने लॉकडाउन खोला, 6 महीने कभी आपने ताली बजवाई कभी थाली बजाई, और ताली और थाली इसलिए बजाई क्योंकि आज भी आप जैसे अंधभक्त इस देश के अंदर हैं और देश में सब कुछ बिक गया, अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और वो भी जल्दी बिकेगी इस देश के अंदर। पंजाब में 200 से ज्यादा जियो जो टावर है उसको ठप कर दिया गया, ऐसे में जो रिलायंस कंपनी है उसने नोटिस दे दिया, सरकार से मदद मांगी है कि किसान आंदोलन की आड़ में हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? 200 से ज्यादा क्यों ना पहुंचाया जाए, मुझे एक बात बताइए, आज बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, देश के गरीब मजबूर और लाचार किसान के खेत में वो बिजली के टावर खड़े रहते हैं लेकिन किसान को उस बिजली के टावर का 1 रुपया नहीं मिलता। आप एक बात मुझे बताइए, आप वो बिजली का टावर अपने घर की छत पे लगवा सकते हैं? लगवाएंगे तो पैसा लेंगे ना, तो देश के किसान को पैसा क्यों नहीं देते उस टावर का? लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं आप ही का है ना, हमारा काय का नुकसान है? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वो असफल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक बात मुझे बताइए, डिजिटल इंडिया की आप बात तो कर रहे हैं, कहाँ से डिजिटल इंडिया बना है ये बताइए मुझे, कहाँ से बना है? बस प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉल पे बात करनी आ गई तो डिजिटल इंडिया बन गया है? इस बात का डिजिटल इंडिया बना है क्या? प्रधानमंत्री जी मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप जो कहते हैं ना कभी कभी क्या, आप पहले हमेशा ही कहते थे कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है, मुझे माँ गोदावरी बुला रही है, आपको कोई सी माँ नहीं बुला रही, आपको बुला रही है तो बहन जसोदा गुजरात के अंदर, आप वहाँ पहुँचिए और देश के किसान को माफ करिए। प्रधानमंत्री है थोड़ी सी शब्दों में मर्यादा रखिए। आपको ना दलाली का इतना पैसा और इतना बुखार चढ़ गया है, आपने रमेश भिदुड़ी के लिए नहीं बोला जब देश के किसान के लिए वो ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है कि आप और हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो देश के किसान के लिए बोल रहा है, तब आप गूंगे हो जाते हैं क्या? या सरकार की दलाली का फेविकॉल आपके गले में अटक जाता है जो आपके मुँह से आवाज नहीं निकलती और आप गूंगेपन के शिकार हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते रमेश भिदुड़ी से कि देश के किसान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और आतंकवादी बताते हैं देश के किसान को? अरे आतंकवादी है तो देश का नेता जो जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, कास्ट और रिलीजियन के नाम पर देश के अंदर दंगे कराता है, वो देश का आतंकवादी है। अरे क्या वो देश का आतंकवादी हो सकता है जो सरहद पे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को भेज रहा है और खुद यहाँ पर किसान आंदोलन में आकर फर्ज निभा रहा है? एक बात मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, जब आपकी बूढ़ी माँ सिर्फ आपके खातिर, आपकी कुर्सी के खातिर नोटबंदी की लाइन में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ जब किसान आंदोलन में होती है तो वो आतंकवादी कहलाती है? ये कहाँ का दोहरा चरित्र है? मतलब आपकी माँ देशभक्त और इस देश के किसान की माँ आतंकवादी, कहाँ से पढ़कर आए हैं आप, जरा ये बताइए।